लिखिए, क्वेश्चन है आपका 2020 का, क्वेश्चन है आपका 2020 का, क्वेश्चन इज इफ 3x plus 4y is equal to 12√2, is a tangent to ellipse आपको गिवन है x² / a² plus y² / 9 is equal to 1 for some a belongs to r then the distance between foci of the ellipse is, your option A is 2√7, option B is 4, option C is 2√5, and option D is 2√2. Try again. देखो सर, अब क्या क्या मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग तो आपको इस इलिप्स के लिए बी पता है ना। यदि आप इस इलिप्स को देखो, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, तो आपको मुझे बी स्क्वायर दिया है उसने, नहीं ए स्क्वायर आने ही गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि जो लाइन है ना, ये आपका टेंजेंट है इस इलिप्स, ये जो लाइन दी है ये आपका क्या है, टेंजेंट है मतलब इलिप्स पे, टेंजेंट है इलिप्स पे, इसका मतलब c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन को फुलफिल करेगी, ठीक है ना। अब देखिए जरा इस लाइन को आप लिखे हैं y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, तो 4y इज इक्वल टू 12√2 - 3x, या y इज इक्वल टू -3/4x + 4√3 = 3√2। यहाँ से कंपेयर आप करें, यदि y इज इक्वल टू mx + c से, तो m इज इक्वल टू -3/4 एंड c इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9/16, और c आपको बचा गिवन है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए ना, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा डेटा आपके पास। ऑप्शन सी ऑप्शन होगा इसका, सी नहीं मुझे ए दिया, चेक कर लेते हैं। ओके देखो, सी स्क्वायर कितना है आपका 9 × 2 = 18, ए स्क्वायर तो फाइंड करना है हम लोगों को, एम स्क्वायर कितना होगा 9/16 प्लस बी स्क्वायर इज 9, है ना, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मुझे 9 a² / 16 = 9, तो a² बचा गया 16,
अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, है ना, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होगा, टू ए ई, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। मतलब आपको ई और चाहिए, आपको क्या चाहिए, ई और चाहिए। ई जो होता है आपका ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वन माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर आपका है नाइन अपॉन मुझे सिक्सटीन, तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन, सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन अपॉन सिक्सटीन, तो ई बजे आ गया आपका रूट सेवन बाय, रूट सेवन बाय फोर, है ना। तो टू ए कितना होगा, टू ए इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ से फोर, तो टू इंटू फोर इंटू सेवन बाय, ये कैंसिल हो गया, देखो ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी होगा। देखो किसी को डाउट है तो बोलिए। No, man. चले नेक्स्ट आप लोग मुझे करके दिखाइए, ये भी आपके रह गई क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आंसर टाइम इसका निकाल, बस डिफरेंट आपसे डेटा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इज ए लाइन, 2019 का क्वेश्चन है आपका, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व इज टेंजेंट टू द एलिप्स, टेंजेंट थोड़ा लास्ट लास्ट स्लाइड दिखाइए तो। वन सेकंड, टेंजेंट टू द एलिप्स, एलिप्स हो गया मैम, ओके टेंजेंट टू द एलिप्स, एलिप्स इज गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट पॉइंट इज 3 कॉमा माइनस 9 बाय 2 then length of latus rectum is your option A is 9, option B is 12 root 2, option C is 5 and option D is 8 root 3, option D is 8 root 3, try karenge.
मुझे बताएंगे करके। पॉइंट आपको गिवन है जहां से टेंजेंट बनाई गई है। जिसका हो जाएगा रिप्लाई करेंगे। मैम ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है बाकी किसी का चुका है क्या? देखो यस मैम ऑप्शन है। ऑप्शन है देखो आपको टेंजेंट एक दी गई है ना, ऊपर से एक पॉइंट आपको कह रहा है कि जहां से टेंजेंट है वो ड्रॉ करा, दोनों की दोनों सेम थिंग तो होंगी। सोचो जरा ये पॉइंट है आपका है ना, कह रहे इस पॉइंट से एट द पॉइंट आप टेंजेंट ड्रो करो, तो इस पॉइंट से टेंजेंट कितना होगा सोचिए जरा। ये होगा आपका 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस ये माइनस 9 बाई 2 y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये टेंजेंट आपको गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट आपके ड्रो की है और यही से हमने ये ड्रो करके देख लिया। अब आपको पता है दोनों थिंग सेम, दोनों थिंग मुझे कितनी है सेम है, तो x के कोफिशिएंट ऊपर 3 अपॉन a स्क्वायर है नीचे 1 है, यहाँ पे आपका माइनस 9 बाई 2 b स्क्वायर है और नीचे आपका माइनस 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो 3 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 12, a स्क्वायर मिल गया हम लोग 36। इन दोनों को आपका लें तो यहाँ से आएगा माइनस 9 बाई 4 b स्क्वायर और माइनस माइनस कट गया 1 बाई 12, ये वजह 4 3 12, तो बी स्क्वायर आ गया आपका 27। और एल एल आर कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है आपका 2b² / 8, ये हो जाएगा 2 × 27/8, ये कितना है आपका 6, 2 3 6 3 9 27, तो ऑप्शन इज 9, तो ऑप्शन हो गया ए। एलिप्स के भी क्वेश्चन इजी रहते हैं हमेशा, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, प्रोसीड्यूर पता हो थोड़ा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन मुझे 2020 का आपका ही क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग एक्सिस अलोंग y एक्सिस, आपको दे भी रहा है कि माइनर एक्सिस मुझे अलोंग y एक्सिस, मतलब मेजर आपकी x, मेजर x होने का मतलब आपको स्टैंडर्ड पैराबोला ही दिया गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। उसने दिया आपका कि माइनर एक्सिस अलोंग आपकी y एक्सिस है ना, ऑफ एन एलिप्स, ऑफ एन एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, in a standard form is 4 by root 3, is 4 by root 3, if this ellipse, this ellipse touches touches the line, the line x plus 6 y is equal to 8, मतलब ये इसकी टेंजेंट टच कर रहा है, देन ई इज, देन ई इज इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आर 1/2 √11/3, ऑप्शन बी इज √5/6, ऑप्शन सी इज 1/2 5/3 एंड ऑप्शन बी इज 1/3 √11/3।
मुझे रिप्लाई करो करके हम ऑप्शन ए ऑप्शन ए मान सकते हैं। हाँ सही है। यस मैम ए निकला। हाँ वेरी गुड। बाकी सबका देखो, जिनका मुझे नहीं दिख रहा है पर देखेंगे। देखो आपको कह रहा है कि देखो अलोन वाई एक्सिस देने का मतलब है उसने आपको बोल दिया है जो एलिप्स था जो सीधा था है ना, ऐसे एलिप्स दिया होगा, ये वाला एलिप्स था दिख रहा है आपको, मतलब उसने माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो होता है 2b, 2b उसने दिया है 4/√3 है ना, मतलब b आपको मुझे पता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 2/√3। अब सेकंड थिंग आपको कह रहा है कि जो एलिप्स है इस लाइन को टच कर रहा है ना, इतना आपको दिया है, तो यदि एलिप्स ने लाइन को टच किया तो फॉर श्योर इक्वेशन तो ये बनी होगी, ठीक है, और यही पे आपको मुझे इक्वेशन क्या दी है वाई इज इक्वल टू, यदि मैं वाई इज इक्वल टू करके यहाँ से निकाल दूँ तो ये होगा माइनस एक्स प्लस बचा 8 डिवाइडेड बाई 6। कंपेयर करो तो आपको मुझे m पता है, m इज माइनस 1/6, m कितना है आपका माइनस 1/6, और यहाँ से आपको गिवन है कि a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4/3 इट मीन 16/9,
और आपको एम स्क्वायर पता है, इट मीन्स ये आपका लिखा है आपका 156, और बी मुझे पता है आपको बी स्क्वायर हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 16/9, ये करते ही आपका ए निकलेगा है ना, ए स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/9 माइनस 4/3 जो कि कितना होगा 9, यदि आप एलसीएम ले तो 16 माइनस 3 3 9 4 3 12 इट मीन्स 4/9 है ना, ये ए स्क्वायर बाई 36 है और 9 4 36 होता है, ए स्क्वायर आ गया आपका 16। अब आपके पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी, आपको इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है आपका बी स्क्वायर इज 4/3 है ना, एंड ए स्क्वायर इज व्हाट 16। सॉल्व बचे कर ले आंसर आ जाएगा आपका 4 4 16, इसे सॉल्व कर लेना ठीक है। आगे बच्चे सॉल्व रूट लगा लेना, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 4/3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सिस्टम। सॉल्व बचे करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, ऑप्शन ए ही आया yes, देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, थ्योरी के ऊपर था, एक्स्ट्रा कोई थिंग आपने यूज नहीं किया कि कोई ट्रिक लगानी पड़ी हम लोगों को या कुछ लगाना पड़ा। देखो किसी को डाउट है तो बोलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और लिखेंगे मुझे आपको मूव करेंगे, फिर आपको एक ऑब्लिक पैराबोला पहले पढ़ेंगे फिर आगे देखेंगे ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन इज The area of quadrilateral formed by tangent at the end points of the latest rectum of the ellipse आपको given है x square upon 9 plus y square by 5 is equal to 1 is, options are 27/2, option b is 27, c is 27/4 and option d is 18. ऑप्शन डी इज 18। आपको कह रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया बताइए जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद बन रहा है। एलआर से दो होती है, कोई भी एलआर मान लीजिए ये एलिप्स। अब आपको यदि दिया जाए इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपकी फोकाई है ये वाली। एलआर क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम आपका लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस है ना। अब मान लीजिए ये आपकी एलआर मान लो जी, और ये फोकस मान लेंगे हम लोग, ये फोकस ये बच्चे एस वन है ये एस टू, कह रहे इसके एंड पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए सबसे कहीं जाएगा, फिर इधर से भी ऐसे ही आपका जाएगा है ना, मीट कर रहे हैं और इधर से भी आपका मुझे ऐसे ही होगा, यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस पॉइंट से लोकेशन। और यहाँ से मान लीजिए ऐसे कट नहीं करेगी वो है ना, कट नहीं कर रही है, तो तीन वो भी ना कट करने वाली वो चीज़ नहीं, वो ऐसे टच कर रही है
तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होगा, उसका मुझे एरिया आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बच्चे क्वेश्चन में डाउट है या सॉल्व कर रहे हो? बोलिए। ट्राई कर रहे हैं मैम ऑप्शन। सुधांशु बोलो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही। बाकी किसी का बचा हुआ है? ये मीटिंग को मुझे रीस्टार्ट होने में ना 2 से 3 मिनट लगेंगे, है ना? तो आपको ज्वाइन कर लेना जरूर। रिकॉर्डिंग को बचा एंड होने में टाइम लगता है। Yes, ma'am. बाकी किसी का हुआ है? स्वयं, सूर्या, शदाब? No, ma'am. नहीं हो रहा है? No, ma'am. अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं। कोई बात नहीं, देख। अब क्या क्या गिवन है? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में पता होता है कितना होता है? एंड पॉइंट से लेटेस्ट सेक्टर क्या होता है बताओ? ए कॉमा बी स्क्वायर का है ये, yes, ma'am. है ना? तो ये हम लोगों को पता है, अभी नहीं पता है, अभी मिल जाएंगे क्योंकि हमें बी पता है। बी स्क्वायर आपका 9, ए स्क्वायर आपका 5 है ना? और हम लोगों को पता है ए इज इक्वल टू होता है 1 - b² / a² जो कि हो जाएगा आपका 1 - 9/5। सॉरी उल्टा लिख दिया है ना मैंने, ये ए स्क्वायर बचा ये बी स्क्वायर। 5/9 तो ये हो जाएगा बच्चा 4/9, इट इज इक्वल टू आपका 2/3। ए भी निकल गया, तो ए क्या होगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 होगा ना, और बी स्क्वायर बाय ए की बात करें तो बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 5/3। तो हम लोग को पॉइंट्स मिल गए, ये दिस पॉइंट इज 2, 5/3 एंड दिस पॉइंट इज -2, -5/3। मिल गया पॉइंट, देखो क्लियर है ना? यस मैम। तो हम लोगों के पास पॉइंट आ गए, हम लोगों के पास बचा ई भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। अब मान लीजिए हम लोग 2, 5/3 पे निकाल, है ना? क्योंकि अभी आपको मुझे चाहिए कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसे क्रिएट करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, लेट पॉइंट बी 2, 5/3 कितना हो जाएगा आपका? एक्स एक्स वन मतलब 2x/9, y/y इट मीन्स 5/3y/5 है ना? इज इक्वल टू कितना? 1। सो इक्वेशन इज 2x/9 + y/3 = 1। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। अब देखिए ये कहीं मुझे मीट करेगी ए और बी को। अब बताइए जरा एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी? जो टेंजेंट होगी आपकी एक्स एक्सिस को मुझे मीट कहाँ पे करेगी? मीट x एक्सिस एट
कितना आएगा आपका? 9/2, 9/2 कॉमा 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट 9/2 है, तो ये 9/2 कॉमा 0 एंड y एक्सिस एड कितना होगा आपका? 0.3, ठीक है। और ये जो फिगर मुझे बनेगा ना आपको, वो सिमेट्रिकल बनेगा। फिगर कैसा बनेगा आपका? सिमेट्रिकल बनेगा। अब जरूरी नहीं है, देखो ये यहाँ पे आपका टच की है, अब ये फिगर भी थोड़ा गलत मैंने बना दिया है, रुको जरा।